वो मंदिर है मानतलाई का, तो ये वही जगह है यहाँ पे शिव भगवान और पार्वती माता ने फेरे लिए थे। मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना दी है। ये शॉर्ट्स पहले भी ले चुके हैं, ये हम शॉर्ट्स पहले भी ले चुके हैं। ये वही बोल के मंदिर आ रहा हूँ। ये वही कुंड है जिस कुंड में घर से जिस कुंड में फेरे लिए थे पार्वती माता ने और शिव भगवान ने फेरे लिए थे। इसके अंदर नहाते भी हैं, नहाते भी हैं, पर हम नहाएंगे नहीं, बट गंदा पानी है ये, क्योंकि पानी ये रुका हुआ है काफी ज्यादा। जोर से बोलो, हमें भी सुनाओ क्या मांग रहे हो आप। YouTube चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ा देना। वो तो बोलूंगा, वो तो पहले नंबर पे वही है। नहीं नहीं, फिर नंदी भगवान कंफ्यूज हो जाएंगे किसकी सुनूं, मैं रंजीत की सुनूं और उसकी सुनूं। जय हो, क्या हुआ? फोटो लेना ये जगह हो की यार, वो अंदर आगे है अभी। हाँ पता चलेगी अभी, तो इलाका स्टार्ट होगा। सो ये था मानतलाई का मंदिर, ये गांव है पार्वती माता का। मैंने डिटेल में इसके बारे में वीडियो बनाई हुई है मैंने अपने चैनल पे, तो आप वहाँ आके देखो। ये वो कुंड है, यहाँ पे फेरे लिए थे, और पीछे प्रॉपर्टी है बाबा धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की, तो उस पर भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है। 2K से ज़्यादा लोगों ने वो वीडियो देखी है। ये हट्टी जैसी क्या, हमने व्हाइट कलर की, ये मेरे हिसाब से कुछ चल रहा है अभी इनका कंस्ट्रक्शन। वो तो मुझे भी दिख रहा है कुछ चल ही रहा है, ये नहीं देख, नहीं ये देख, क्या चीज बन रही है, लेकिन ये क्या पता कोई देख लेंगे। ये मंदिर बना है क्या ये? चल यार इधर चलते हैं, ये बन रहा है इनका कॉलेज, इधर चलते हैं भाई, इधर ही चलिए। हाँ है वो जहाज वगैरह पड़ा हुआ, समुद्री जहाज धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का, तेरा सिर समुद्री जहाज, हेलीपैड, हेलीकॉप्टर, हेलीपैड। तो अभी ये जो आप पीछे देख रहे हो बिल्डिंग, ये मेरे हिसाब से 19 का बाबा की डेथ हुई थी, उसके बाद ये वैसी की वैसी है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं लगा। और यहाँ पे वो बाबा का जो हेलीकॉप्टर था वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, अभी जाके देखते हैं। तो जिनसे मैंने बात करनी थी वो मुझे दिखे नहीं, जो बाबा जी के पर्सनल कुक थे, उनको पूरी हिस्ट्री पता है कि बाबा का क्या था यहाँ पे, क्या कौन कौन आता है यहाँ पे, कौन कौन पॉलिटिशियन आते हैं, उनको सारा पता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ यार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को देख लो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो। और अभी आप देखो जहाज के पार्ट्स देखो। तो ये था हेलीकॉप्टर, जो भी था हेलीकॉप्टर था बाबा का, जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय है, ये पड़ा पीछे, और वो आगे पंख का, ये शायद बॉडी है दोनों, क्या ये। अभी हम जा रहे हैं ऊपर से, मैं बिल्डिंग दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको कि कैसी है। ये देखो इतना अच्छा कंसेप्ट लेके आए थे बाबा यहाँ पे, पर किसी ने भी कदर नहीं डाली यहाँ पे, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, ना एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया, ना किसी पॉलिटिशियन ने दिया, नहीं तो यहाँ पे काफ़ी कुछ बन सकता था। अब इतने सालों के बाद गवर्नमेंट की आँखें जागी हैं, आँखें खुली हैं इतने सालों के बाद, वो यहाँ पे अब वो बना रहे हैं, इंटरनेशनल योगा सेंटर बना रहे हैं मानतलाई में, पर काफ़ी देर के बाद ऐसा स्टेप उठाया गवर्नमेंट ने। तो फिलहाल तो देखो आप, ये बिल्डिंग है जो काफ़ी सालों से बंद है, कोई भी नहीं यहाँ पे जाता है आता है। ये लिखा हुआ है लाचा डीक के धर्मेंद्र ब्रह्मचारी, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है ये। ये देखो उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन के लिए ये चीज़ लगाई हुई थी, और आज भी ये वैसी लगी हुई है, ना उतारा है ना कुछ। वो नीचे पड़ी हैं रेत, रेत या सीमेंट बजरी, मेरे को नहीं पता क्या है, बोरे में बंद है ये, क्या है। तो ये भी काफ़ी दिनों, काफ़ी सालों से ये ऐसा ही पड़ा है सामान, किसी ने कोई छेड़ा नहीं है, और ये पता नहीं क्या था यहाँ पे। ये टेंट्स वगैरह लगे हैं, ये भी डिस्ट्रॉयड हो गए हैं पूरी तरह से, और ये टीन का कुछ है, ये देखो आप, ये भी बंद है, मतलब ये सब कुछ यहाँ पे बंद था। और वो सामने नदी, और ये पहाड़ी है सामने सुगमा देव मानतलाई की। Wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted. Yeah.
तो बिल्डिंग में हम जाएंगे नहीं क्योंकि ये अब रास्ता ही इन्होंने बंद कर दिया है। पहले तो खुला था, जब मैं पिछली बार आया था तब तो यहाँ पे बिल्डिंग का रास्ता खुला था, पर अब बंद है। अभी मैं आपको यहाँ पे गाड़ियाँ दिखाता हूँ, जो बाबा की गाड़ियाँ थी लगी हैं लाइन पे। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से मानतलाई से, क्योंकि काफी ज्यादा लेट क्योंकि मौसम खराब है, बाहर देख लो बारिश कभी पड़ सकती है और रोड खराब है। तो अभी हम सीधे जाएंगे यहाँ से प्रेम स्वीट्स जाएंगे, वहाँ पे पतीसा खाते हैं, कुछ ट्राई करते हैं यहाँ पे भी खाने वाली जगह की। ये देखो ये क्या हो रहा है, मौसम खराब ही है यहाँ पे। सीधे अब मिलते हैं आपको यहाँ पे खाने वाला ऑटो होगा वहाँ पे, देन उसके बाद घर। ये अपडेट है तो थोड़ा ध्यान से जाएं, अभी स्टेशन वगैरह में कहीं पे भी जाना हो तो थोड़ा, क्योंकि अभी लैंडस्लाइड वगैरह का बहुत चांसेस हो रहे हैं। सपोर्टिंग बहुत अच्छा।